हंस रही हैं गाइस। मैं अगर मैं आपको खास दिखाऊं कि मामा हंसती हैं। वेलकम और वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। सो गाइस, एक और व्लॉग मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि एक सरप्राइज़ है। एक्चुअली ये जो सरप्राइज़ है ये जैनी के लिए है, लॉयड और मामा के लिए। सरप्राइज़ ये है कि जैनी की मामा कराची से आ रही हैं आज अभी इसी वक्त। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी तो उनका कॉल आया कि वो आने वाले हैं। रात को ही मुझे उनकी कॉल आ गई थी जब मैं और जैनी शॉपिंग कर रहे थे, तो जैनी की छोटी बहन की मुझे कॉल आई थी और उसने मुझे कहा था कि घर जाके आप मुझे कॉल करना, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और जैनी आप ही को नहीं बताना। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है, मैंने कहा ठीक है। उस वक्त उसने जैनी से बात भी नहीं की। तो घर पे आई मैं तो उसके इतने मैसेजेस आए हुए थे व्हाट्सएप पे कि मुझे कॉल करो, बात करनी है। तो जब मैंने उसको कॉल बैक किया तो उसने मुझे बताया कि आज हम लोग आएंगे, मैं और मामा और लॉयड, जैनी आप भी और रीटा आंटी को बिल्कुल भी मत बताना, हम सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सो फिर जैनी भी बस अभी आने वाली है और उसकी मामा भी आने वाली है, अब देखते हैं दोनों में से कौन पहले आता है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन सबके रिएक्शन देखते हैं। तो व्लॉग के लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा। देर हो गई आज? बहुत ज़्यादा। आ गई है मैडम। तो गाइस, मैंने जैनी को बोला है कि मेरी फ्रेंड आ रही है लेकिन उसको नहीं पता उसकी मामा आ रही है। रूम में चेंज करी कब गाइस? मामा को भी नहीं पता। मामा वो आने वाली होगी, मेरी फ्रेंड, मैं आपको बता रही थी ना, तो बस सिटिंग रूम में बिठा देंगे। सही ना? आप क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा, हाँ मैं अभी वेट ही कर रही हूँ उसका। हेलो तो करो सबको। गाइस, जैनी की मामा आ गई हैं। हेलो। आजा आजा आजा, हंसना नहीं, जल्दी आओ। चलो चलो चलो। हेलो, गुड इवनिंग। मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ मैं लेके आ रही हूँ, लेके आ रही हूँ। जैनी कहीं आते हैं, उन्होंने पूछा है। आ जल्दी। नहीं सही लग रही है। अरे सही लग रही है, अरे सही है ना। चलो भी। हाँ फर्स्ट टाइम देख रही है ना। पहन के वो पैंटी आई है खुद भी, वो किसी की इनविटेशन लेके आई है, शायद शादी वादी है कोई। हाँ नहीं क्या, मैंने कहा कोई नहीं, वो भी पैंट पहन के आई है, आ जा। तो उसके लिए जो है ना मेकअप शेकअप करी, लिपस्टिक लगा रही। तो इसकी कॉल आई मुझे तो घबराई भी, कही वो क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, हम तो बाजार है, मैं और जैनी। मैंने कहा ये ले जैनी से बात करनी है, मुझे लगा इसका नंबर नहीं लग रहा। मैंने कहा जैनी से बात करनी है। कह रही नहीं 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 नहीं, जैनी आप से नहीं करनी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रही बबलू भाई को कर रही थी। मैंने कहा उसका नाम भी बी से आता है और मेरा नाम भी बी से आता है। और घर आई तो इसके इतने मैसेजेस, मुझे कॉल करो, जैनी आप ही को नहीं बताना, जरूरी बात है। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। और उससे पहले ना मैं जैनी तुझे बोल रही थी ना, ये कहीं आ तो नहीं रहे? अच्छा हुआ ना आंटी, इतने टाइम बाद आए हो यार। ये भी उदास पड़ी हुई है, आ जाओ। हाँ और क्या, कल परसों भी मुझे बोल रहा था आप आती नहीं हो। मैं कहा टाइम ही नहीं, मैं बाकी नहीं टाइम मिलता। Thank you.
फ्राइज़ या पैंडा मार्ट से हमने मंगवाए हैं आलू। मैं बना रही हूँ फ्राइज़ और जेनी बना रही है मंचूरियन। उप्स, निकल जाओ भाई, लॉयड भी आ गया। बहुत अच्छी पैकिंग लगती है मुझे इनकी। आलू देखें इसके क्या फ्राइज बनेंगे, एक ही सही है बस। आलू दिखे नहीं, आलू नहीं दिखाओ ना, आलू दिखाओ, ये देखो कितने कितने से हैं, बस एक ही आलू बड़ा है बाकी छोटे हैं। भूख लग रही है? बस खाना ऑलमोस्ट रेडी है गाइस, आज मैं फिशेस को खाना देना ही भूल गई। देखें पानी जो है मामा ने भरा ऊपर तक, ब्लर हो गया थोड़ा सा, ये रहा टर्टल। गाइस खाना बन गया है और जेनी ने बनाया है मंचूरियन और ये रही आंटी। आंटी भूख लग रही है? नहीं लग रही क्योंकि आंटी ने थोड़ा सा खाया था ना आके। माँ आपको लग रही है? मुझे भी लग रही है और मायमा को भी लग रही है और जेनी को भी लग रही है। और सरप्राइज बहुत अच्छा दिया था आंटी ने, फिर जेनी मजा आया। आंटी लो प्लेट, लो माँ ले लो आप भी। मेरी प्लेट रेडी है। देख लें आज हंस रही हैं गाइस। मैं आपको खास दिखाऊं कि मामा हंसती हैं। मुझे तो मामा से हंसी आ रही है। आंसू आ गए ठीक है आंटी, आंसू आ गए हंस हंस के। आंसू भी दिखाओ, आंसू। ये देखें गाइस, ये खेल रही है ओनो मामा के साथ अपने। सो पहले मैं देख रही हूँ कैसे खेलते हैं, फिर मैं भी खेलूंगी। मुझे नहीं आता, नहीं दिखा रही। व्यूवर्स थोड़ी खेल रहे हैं, उनको कार्ड्स पता चल जाएंगे। तो आंटी खेल रही हैं। खेल रही है। हाँ ना, फिर मैं भी खेलूंगी थोड़ी देर में। और अब ये टाइम है कि मैं ये वाला पता फेंक सकूँ, ठीक है? क्योंकि ये ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। ग्रीन है हाँ, तो आपको ये फेंक देना है। और जब आप ये फेंक दोगे तो फिर मामा को दो कार्ड वहाँ से मतलब एक्स्ट्रा उठाने पड़ेंगे। अब लास्ट रह गया मेरे पास, ठीक है? हाँ। मैं ये फेंक रही हूँ। हाँ। पर लास्ट रह गया, मुझे बोलना है ओनो। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मुझे चार कार्ड उठाने पड़ेंगे। अच्छा, तो जीत गए आप। तुम तो हार गई हो। मैं गलत इंसान से सीख रही हूँ, मैं इनसे सीखूंगी। मैं अपने घर में एक टाइम पे 10-10 गेम्स भी जीतती हूँ। हाँ चलो फिर, अब मैं खेलती हूँ, मेरी पार्टनर बनना, सही है? ठीक है, मैं आपको गाइड करूँगी। सो अब मैं खेल रही हूँ मायमा के साथ। अरे आंटी देख रही है? नहीं देख रही, सेम कलर्स और सेम कार्ड्स नंबर्स। गाइस मैं हार गई हूँ, इसने मुझे हरा दिया। पहले ये खुद हार रही है, फिर इसने मुझे हराया है। और आंटी मामा जीती है, सेकंड टाइम आंटी जीत गई है। हाँ। तुम रहने दो, मेरा यहाँ पे लक नहीं चल रहा, लास्ट वाला हैदराबाद में लक नहीं चल रहा। और हम यहाँ पे मामा की नकल कर रहे हैं। कैसे? और मामा की नकल ऐसी है कि जब कुछ भी बोलो ना, खासतौर पे व्लॉग में, तो मामा सिर्फ यूं करती है। खाना खा लिया, पेट भर गया, बाहर चलना है। नहीं रीटा आंटी ना ज्यादा यू नो प्रो है। अच्छा मामा, इसलिए रीटा आंटी खुद करके दिखाएंगे। भूख लग रही है? अब नहीं करूंगी यार, एक दफा करके दिखाओ, एक दफा करो, करो यार, करो ना, करो। अच्छा खाना खा लिया, खाना खा लिया मामा।
गाइस कैमरा जैसे ही ऑन होता है ना और मामा से कुछ भी पूछो तो मामा कहती हैं बस कितनी हंसी आ रही है। नहीं यकीन आता तो आप पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं आप लोग। मामा से हम कुछ भी पूछते हैं खासतौर पे कैमरा ऑन होते ही तो मामा आंटी को बहुत हंसी आ रही है। सही बोल रही हो ना आंटी। सो गाइज मैं आ गई हूँ अपने रूम में इस व्लॉग को एंड करने के लिए क्योंकि बस अभी सब लोग रिलैक्स होकर सोने लगे हैं, बहुत हंसी मजाक हो गया और बस अभी सब सोने की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं अपने रूम में आ जाऊँ और इस व्लॉग को एंड कर दूँ। तो गाइज ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। आज जैनी की मदर ने और सिस्टर ने उसको सरप्राइज दिया, अचानक वो लोग आ गए थे, उनका प्लान बन गया था, मुझे भी कल ही बताया था तो मैं उनके प्लान में शामिल हो गई थी, बाकी किसी को भी नहीं घर पे पता था। तो जैनी ने जैसे ही उनको देखा तो जैनी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी क्योंकि मैंने एक अलग ही स्टोरी बताई थी। मैंने जैनी को बोला था कि मेरी फ्रेंड आ रही है और उसकी मदर आ रही है क्योंकि मेरे फ्रेंड के भाई की शादी है, सो वो इन्विटेशन देने के लिए आ रहे हैं और पता नहीं मैंने कौन कौन सी स्टोरीज बनाई थी। तो जब वो रूम में मिलने गई है मेरी फ्रेंड से तो उसने देखा कि वहाँ पे तो उसकी मामा है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। सो गाइज आज का दिन बहुत अच्छा रहा और हमने बहुत इन्जॉय किया। सो अभी ये लोग 3-4 दिन तक यहीं हैं तो मेरे ब्लॉग्स आते जाएंगे और आप लोग देखते रहिएगा। फिलहाल मैं एक कप चाय पी रही हूँ और इस चाय के साथ अपना व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। सो उम्मीद है आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया है सो प्लीज डू लाइक कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत जल्द आपको एक न्यू व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। और प्लीज मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय।